दोस्तों, आज हम आपको समुद्र की दुनिया के दो ऐसे जीवों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें से एक का अस्तित्व आज से लाखों साल पहले ही खत्म हो चुका है, जबकि एक तो अभी भी धरती पर मौजूद है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको ब्लू व्हेल और शार्क प्रजाति की सबसे बड़े फिश के रूप में मशहूर मेगालोडॉन के बारे में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मेगालोडॉन और ब्लू व्हेल एक दूसरे के सामने आते हैं तो फिर क्या होगा, कौन सा जानवर किस पर भारी पड़ेगा और किसे मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। हालांकि मेरे प्यारे दोस्तों, यह लड़ाई रियल वर्ल्ड में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेगालोडॉन अब इस धरती पर नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम इन जीवों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के जरिए इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले जान लेते हैं ब्लू व्हेल के बारे में, फिर आगे हम बात करेंगे मेगालोडॉन की, और फिर हम इन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का कंपैरिजन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें ब्लू व्हेल की तो ये इस वक्त धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव के रूप में जानी जाती है। ब्लू व्हेल की उत्पत्ति धरती पर आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक समुद्र की दुनिया पर राज करती है। ब्लू व्हेल की औसतन लंबाई 20 से 30 मीटर के बीच होती है। धरती पर मिले अब तक के सबसे लंबे ब्लू व्हेल की लंबाई 29.9 मीटर यानी 98 फीट तक नापी गई है। वही अगर बात करें इसके वजन की तो ये लगभग 190 टन तक की हो सकती है। ब्लू व्हेल इतनी बड़ी और विशालकाय होने के बावजूद भी बेहद शांत स्वभाव की फिश मानी जाती है। ब्लू व्हेल पानी के भीतर लगभग 35 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकती है। इसके हार्ट का साइज गोल्फ गेम में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल के बराबर होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लू व्हेल कितनी विशालकाय होती है। वही अगर बात करें इसके बाइट फोर्स की तो वो भी तकरीबन 90 किलो न्यूटन तक का होता है। हालांकि ब्लू व्हेल जल्दी से किसी दूसरे पर अटैक नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये अगर अटैक करे तो बड़ी आसानी से अफ्रीकन हाथी को एक ही झटके में खा सकती है। ये पानी के भीतर 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। भारी शरीर के कारण ये पानी के भीतर ज्यादा स्पीड से तैर नहीं पाती है। समुद्र के भीतर छोटी छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भरती है। ब्लू व्हेल ज्यादातर क्रेल नाम की एक बेहद छोटी से मछली को खाना बेहद पसंद करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें मेगालोडॉन की तो ये समुद्र के भीतर आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले रहा करती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट थी और वजन 40 टन के करीब। ये फिश ज्यादातर डॉल्फिन, समुद्र के कछुए आदि को खाकर अपना पेट भरती थी। यहाँ तक कि ये कभी कभी तो व्हेल तक का शिकार कर जाती थी, लेकिन वो सिर्फ व्हेल हुआ करती थी, ब्लू व्हेल नहीं। हम आपको बता दें कि ब्लू व्हेल व्हेल प्रजाति की सबसे विशालकाय फिश के रूप में जानी जाती है। अभी तक मेगालोडॉन के शिकार का जो रिकॉर्ड मिला है उसके हिसाब से तकरीबन 11 मीटर लंबे व्हेल तक को भी आसानी से खा जाती थी, जबकि ब्लू व्हेल की लंबाई 29 मीटर तक होती है। फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शार्क फिश कितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हुआ करती थी। मेगालोडॉन का बाइट फोर्स भी तकरीबन 18 टन का हुआ करता था, यानी कि एक झटके में बड़े से बड़े समुद्र के जीव के भी टुकड़े कर सकती थी। मेगालोडॉन अटैक करने के मामले में जितनी तेज थी उतनी ही तेजी से तो समुद्र में तैरती भी थी। मेगालोडॉन पानी के भीतर लगभग 30 से 40 माइल पर आवर की स्पीड से तैरती थी। अब अगर बात करें इसके विलुप्त तो होने की तो समुद्र के भीतर पर्याप्त खाना ना मिलने और ग्रेट व्हाइट शार्क से कंपटीशन के चलते धीरे धीरे करके समुद्र की दुनिया से गायब हो गई। इन दोनों ही समुद्र जीवों का स्टेटस देखने के बाद हमें यह जानने को मिल रहा है कि ब्लू व्हेल मेगालोडॉन की तुलना में ज्यादा लंबी, ज्यादा वजनी और ज्यादा बाइट फोर्स वाली फिश है। वही मेगालोडॉन के पास है ब्लू व्हेल से ज्यादा तेज पानी में तैरने की रफ्तार और फुर्ती। साथ ही मेगालोडॉन काफी अटैकिंग नेचर की थी, जबकि ब्लू व्हेल को बिल्कुल शांत स्वभाव का माना जाता है।
ऐसे मगर मेगालोडॉन और ब्लू व्हेल का आमना सामना होता है तो जाहिर है अटैक पहले मेगालोडॉन की तरफ से ही होगा। वैसे तो मेगालोडॉन अपनी शिकार को पूरी तरह निगल जाती है, लेकिन ब्लू व्हेल जैसी विशालकाय जीव को पूरी तरह निगलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे में संभव है कि मेगालोडॉन अपनी नुकीली दांतों से ब्लू व्हेल पर अटैक करके भागने में भी सफल रहे, क्योंकि मेगालोडॉन को पानी के भीतर पकड़ना ब्लू व्हेल के लिए लगभग नामुमकिन ही है। ऐसे में मेगालोडॉन फुर्ती दिखाते हुए बार बार ब्लू व्हेल पर अटैक करके उसे हरा सकती है, लेकिन अगर वो एक बार भी ब्लू व्हेल की पकड़ में आ गई तो फिर उसके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्लू व्हेल के एक ही अटैक में मेगालोडॉन का काम तमाम हो सकता है, जबकि ब्लू व्हेल को मारने के लिए मेगालोडॉन को उस पर कई बार अटैक करना होगा। ऐसे स्थिति में हमारे अनुसार इस लड़ाई में जीत किसकी होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारा वोट ब्लू व्हेल को ही जाता है, क्योंकि वो मेगालोडॉन की तुलना में हर चीज में ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे प्यारे दोस्त, आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीतेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।